प्राणेश्वर अक्षरातीत ने इस मेहर के सागर में अपने उस मेहर का बखान किया है जिसको हम आज दिन तक समझ नहीं पाए। वाणी क्या कह रही है, मेहर पल में बड़े कोटगुनी सो क्यों मेरे मेहर में पाए। हमने मेहर को क्या समझा है, कोई लौकिक उपलब्धि हो जाए, हम अचानक 10-5 करोड़ रुपए पा जाए। आजकल तो एक नुस्खा, एक तकिया कलाम हो गया है, हर बात में कहते हैं राज्य के मेहर से मेरे घर पोता हो गया, राज्य के मेहर से मेरी दुकान चल गई। आप मेहर को क्या समझ बैठे हैं, जैसे कुनैन की पुड़िया हो गई, बुखार लगे तो मेहर सागर का पाठ कर दो बुखार ठीक हो जाएगा, भैंस दूध दही दे रही है तो ज्यादा बढ़ाने के लिए मेहर सागर का पाठ कर दो सब हो जाएगा। आप सोचिए मेहर क्या है। अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रसी वो मेहर सागर है जो 8 सागरों में दृष्टिगोचर होता है। राज्य की कृपा के सागर की एक बूंद से हमारे असंभव से असंभव कार्य दिखने लगते हैं कि ये सब सिद्ध हो गए, तो उसको कहते हैं जाहिरी मेहर, जिसको उस इन आंखों से देखा जाता है कि हमारी कार ट्रक से टकरा जाती है और कार नहीं पलटती है, ट्रक पलट जाता है और उसमें रहने वाले को खरोच भी नहीं आती है। प्रत्यक्ष चमत्कार जो होता है तो हम क्या कहते हैं, राज्य की कृपा की छाओं के तले ऐसा हो गया। लेकिन जो बातिनी मेहर है वो ये कृपा, उसको केवल आत्मदृष्टि से ही जाना जा सकता है। श्री जी के साथ हजारों सुंदर साथ थे, मंदसौर में, औरंगाबाद में, उदयपुर में, रामनगर में, हर जगह कष्ट झेलना पड़ता है। कहीं मिर्गी की बीमारी का कष्ट, कोई भिक्षा मांगना, तो कोई औरंगजेब की सेना से प्रताड़ित होना किसी न किसी रूप में, भय के साये में रहना, सुंदर साथ का ईमान डगमगा जाता है। सोचते हैं कि क्या राज्य की या तो हमारे ऊपर कृपा नहीं है या हमारे अंदर परमधाम की आत्मा नहीं है। वाणी क्या कहती है, श्री महामत के मोमिनो तुम पर दमदम जो बरतत, हर पल हमारे साथ जो गुजर रहा है, हमें दुख भी मिल रहा है तो समझिए कि उसमें राज्य की कोई कृपा है, संसार से घृणा भी मिल रही है तो समझिए कि उसमें कोई कृपा है, या तो हम राज्य से अपने संबंध को नहीं पहचान पा रहे हैं या उनकी कृपा को नहीं पहचान पा रहे हैं। अक्षरातीत के हृदय में जो इश्क का सागर है, जब हमारी आत्मा के हृदय में प्रवाहित होने लगता है तो वह मेहर है। हमारी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप की जब छवि बसने लगती है तो वह मेहर है। हमारी आत्मा वहदत के रस की अनुभूति करने लगती है तो वह मेहर है। इल्म का सागर हमारी आत्मा में क्रीड़ा करने लगता है तो वह मेहर है। हम यही बैठे अपने परात्म के तन को देखने लगते हैं तो उसको मेहर कहते हैं। नूर नीर क्षीर दध घृत मधु रस का रस जब हमारी आत्मा में एक रस होकर के प्रवाहित हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, पूर्ण मेहर अब राज्य की हमारे दिल में प्रवाहित हो रही है। और मेहर भी क्या, एक पल में वह मेहर करोड़ों गुना बढ़ जाती है। यदि करोड़ों ग्रंथों को लिखा जाए तो अभी राज्य के मेहर को मापा नहीं जा सकता है। हमने राज्य के मेहर को क्या समझा है, जैसे गोटा लेकर के एक पाठ पढ़ते हैं मेहर सागर का। सुंदर साहब जी, मैं समाज की किसी परंपरा पर प्रहार नहीं कर रहा हूं, मैं तो वाणी की वो बात कहने जा रहा हूं जिसको हमें समझना होगा कि राज्य की मेहर किसको कहते हैं। या मेरी दाई तरफ बहनें बैठी हैं, भाई बाई तरफ भाई लोग बैठे हैं, आप बताइए, एक पत्नी को साड़ी की आवश्यकता होती है और वो एप्लीकेशन लेकर के पति देव के पास जाए, साष्टांग प्रणाम करे और एप्लीकेशन पकड़ाए कि मुझे साड़ी की आवश्यकता है, कृपा करके साड़ी दे दीजिए, पति क्या करेगा, किसी पागलखाने में ले जाएगा, किसी डॉक्टर के पास ले जाएगा। आप ही तो वही करते हैं।
पत्नी को नहीं पता कि पति का जितना कुछ है वो अर्धांगनी है उसकी, उसकी संपत्ति की आधी मालकिन है। सबको मालूम है किसी भी देश का कानून ये नहीं कहता कि पत्नी को असहाय छोड़ दो। अक्षरातीत के दिल में जो कुछ है उस पर उसका सारा अधिकार है, क्योंकि राजी ने क्या कहा है, तुम मेरी हृदयेश्वरी हो, मेरे हृदय की स्वामिनी हो। हृदय की स्वामिनी अपने हृदयेश्वर से प्रार्थना पत्र प्रतिदिन पढ़ा करें, करते हैं ना सभी लोग। मुझे मेहर सागर पूरा याद नहीं है, चौपाइयाँ याद है, चौपाइयों का क्रम याद नहीं है। मुझे डर रहता है कि मैं संयोग से किसी ऐसी मंदिर में ठहरूं जिसमें पूछ लिया जाए कि मेहर सागर सुनाओ, मुझे ना याद आए तो मुझे गेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप समझिए मेहर सागर कहते किसको। मैंने यही कहा अक्षरातीत का हृदय, अक्षरातीत क्या करते हैं, हक को काम कुछ और नहीं देवे रूह लाड लज्जत। आशिक वह है जो अपना हृदय मासूक पर लुटा देता है। यदि अक्षरातीत अपने हृदय के आठों सागरों का रस अपनी आत्माओं के धाम हृदय में प्रवाहित नहीं करेंगे तो उनको अक्षरातीत ही नहीं कहा जाएगा। चंद्रमा अपनी शीतलता न फैलाए, सूर्य अपनी तेजस्विता को न फैलाए तो उन्हें चंद्रमा और सागर कहलाने का अधिकार क्या है। फूल अपनी सुगंध को रोक दे, सागर अपनी लहरों को प्रवाहित होने से रोक दे तो उसको न सागर की उपमा दी जा सकती है न फूलों की उपमा दी जा सकती है। आप सोचिए आप कौन है। जिस दिन आप अपने स्वरूप की पहचान कर लेंगे कि मैं कौन हूं, उस दिन आप गोटा पर गोटा लेकर के मेहर सागर का पाठ नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप मत कीजिए, हाँ बच्चों से कराइए, जो नए नए सुंदर साथ हैं वो करें, लेकिन जो 70 साल का हो गया है वो भी पढ़ा लिखा है वो भी मेहर सागर का गोटा लेकर बैठ जाता है और मेहर में क्या मांगता है, संसार की वस्तुएं। इस चौपाई में यही बात बताई गई है कि मेहर कहाँ है। मेरे दिल अर्ज किया दिल मोमिन मेहर सागर, एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। राज्य की मेहर ने हमारे दिल को अर्ज किया। हमारा दिल क्या है, जिस दिन आप दिल को समझ लेंगे उस दिन मेहर को भी समझ लेंगे। हम न दिल को समझते हैं न मेहर को समझते हैं, हम अपने को जीव भाव में राज्य से कृपा मांगते हैं। जैसे कोई साईं के दरबार में चला गया भीख मांग रहा है, अभी गणपति बप्पा मौर्या का त्यौहार मुझे नहीं लगा शायद बीत गया है कि आने वाला है, शायद बीत गया। हृदय में सर्वशक्तिमान बैठा है उसे कोई नहीं मांगेगा, मिट्टी के गणेश से सभी मांगेंगे। जो हमारा हृदयेश्वर है, हमारी आत्मा के धाम हृदय में रहता है। हमारा हृदय क्या है, अर्स तन दिल में ए दिल दिल अंतर पट कछ ना आए। अरस्तन क्या है, परात्मा का तन। अरस्तन दिल में ए दिल, हमारी आत्मा का जो दिल है वो किससे जुड़ा हुआ है, परात्मा के दिल से। हमारी आत्मा का दिल परात्म के ही दिल का प्रतिबिंब है। सिफत ऐसी कहीं मोमिन की जाके अक्स का दिल अर्स, हक सपने में भी संग कहे रूहे इन भी दरस बरस। सपने में भी राजी हमारे साथ है। जब हमारे दिल में राज्य विराजमान होते हैं तो क्या कहते हैं, हमारा दिल धनी का अर्श हो गया। मोमिन असल तन अर्श में उन दिल बीच ए दिल, कहने को ये दिल है अर्श दिल असल। हमारा असल दिल कहाँ है, परात्मा का तन। ये दिल जो है उस दिल का प्रतिबिंब है। हमारे जीव का दिल अलग है, आत्मा का दिल अलग है। जिस क्षण हमारी आत्मा के धाम हृदय में राज्य की शोभा बस जाएगी, उस क्षण हमारे और हमारी आत्मा में और परात्मा में कोई भेद नहीं रह जाएगा। आपके परात्मा में क्या है, इश्क का अनंत सागर क्रीड़ा कर रहा है। देखिए मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूं तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। शायद मैंने कल या परसों भी उस दृष्टांत को कहा था, मैं पुनः उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं, क्योंकि उसके बिना जब तक यदि हम वहदत को नहीं समझेंगे तो हम मारिफत को नहीं समझेंगे और मेहर को भी नहीं समझेंगे। मैंने
कल या परसों की चर्चा में आम के गुठली का दृष्टांत दिया था। आम का एक पेड़ है, फला हुआ है, एक गुठली निकलती है, उस गुठली को गाय चबा सकती है, उस गुठली को जलाया जा सकता है, वह गुठली जमीन के ऊपर पड़ी रहेगी तो हो सकता है धूप शीत से समाप्त हो जाए, किंतु वह गुठली यदि उचित वातावरण को प्राप्त करती है, मिट्टी में दब जाती है, तो उस गुठली से एक और पौधा पैदा हो जाता है और उस पौधे से जो वृक्ष तैयार होता है उस पर उस जैसे हजारों फल लग सकते हैं और हर फल में ये गुण होगा कि वो गुठली की तरह जमीन में दबकर पुनः एक वृक्ष पैदा करे और वो भी हजारों फल पैदा करे। उस एक गुठली से जो फल पैदा होंगे उसमें वे सारे गुण होंगे जो उस पहले वाले वृक्ष में थे, फल में जो गुण थे वो उस गुठली से उत्पन्न होने वाले सभी फलों में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उस गुठली से जो पौधा बनेगा, वृक्ष होगा, उसके फल में नीम की कड़वाहट होगी, मिर्च की तीखापन होगी, ऐसा नहीं। जिस फल की वह गुठली है उसके सारे गुणों को वह वृक्ष अपने अंदर आत्मसात किया रहेगा। इसलिए हादि नूर है, हक्का रूह है, हादि अंगूर। राज्य के दिल क्या है? सुख हसी कसम दिल। राज्य के दिल क्या है? श्यामा जी। श्यामा जी के दिल क्या है? सुंदर साथ। राज्य के दिल में जो कुछ है वो श्यामा जी के दिल में है। श्यामा जी के दिल में जो कुछ है सखियों के दिल में है। सखियों के दिल में जो कुछ है वो खूब खुशहालियों के दिल में है। और खूब खुशहालियों के दिल में जो कुछ है वो पशु पक्षियों के अंदर है। पशु पक्षियों के अंदर जो कुछ है परम धाम के 25 पक्षों में है। धरती, आकाश, हवा, सूरज, चांद, जो कुछ दिख रहे हैं सभी आत्मा के स्वरूप है। सबका इश्क बराबर है। एक खरगोश के अंदर उतना ही इश्क है जितना इश्क ब्रह्मात्मा के अंदर है। एक सखी के अंदर जितना इश्क है उतना ही इश्क है जितना इश्क राज्य के दिल में है, क्योंकि एक दिल के अतिरिक्त कोई दूसरा दिल नहीं है। जैसे मैंने कहा, किसी आम के वृक्ष पर यदि हजार फल हो तो हजार फलों की गुठली हजार वृक्ष वैसे ही पैदा कर सकती है। उसी तरह से हर सखी के अंदर, हर पशु पक्षी के अंदर समान इश्क है। यदि किसी का इश्क घट बढ़ होता तो परम धाम में रब्द ही नहीं होता। सबका इश्क बराबर है, सभी एक दूसरे को रिझाते हैं, सभी क्या हुए? एक दूसरे के आशिक हुए। यही कारण है कि श्यामा जी का कहना है मेरा इश्क बड़ा है, सखियों का इश्क कहना है मेरा इश्क बड़ा है, राज्य कह रहे हैं कि नहीं मेरा इश्क बड़ा है। सभी सच कह रहे हैं क्योंकि सभी आशिक हैं और सभी का दिल एक है। वहां दो दिल नहीं है, दो स्वरूप नहीं है, एक ही राज्य का स्वरूप। मारिफत में जब क्रीड़ा कर रहा है तो असंख्य सखियों के रूप में, जिसको हम 12,000 सखियां कहते हैं, असंख्य पशु पक्षियों के रूप में, अनंत परम धाम के रूप में दिखाई देता है। लेकिन जब हम इस दुनिया की आंखों से सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि राजा और महारानी की तरह राज्य श्यामा जी हैं, सखियां उनकी अन्य पटरानियां हैं और खूब खुशहालियां उनकी सेविकाएं हैं। ऐसा नहीं है। इस माया के संसार में जो पशु पक्षी होते हैं वो परम धाम के पशु पक्षी नहीं है। खिलौने जो हक्के सो दूसरा क्यों कहलाए, ये दूसरा तो कहलाए जो कोई होवे इब्तदाए। परम धाम में कोई पशु पक्षी नहीं है, कोई सखियां नहीं है, कोई खूब खुशहालियां नहीं है, कोई श्यामा जी नहीं है। कौन है? केवल राज्य, जहां पूर्ण ब्रह्म बिना और नहीं कोई, सच्चिदानंद बिना और नहीं कोई। आप संध्या आरती में इसको गाया करते हैं। जब राज्य के सिवा कुछ है ही नहीं तो सखियां कहां से आ गई, श्यामा जी कहां से आ गई? सखियों के जिस स्वरूप को लीला रूप में कहा गया है उनका दिल क्या है? धनी का अर्श, अर्श दिल मोमिन कहया जामे अमृत सूरत, खिन्न छूटे मासूक से महबूब की मूरत। मासूक से महबूब की मूरत, परम धाम की ब्रह्मात्मा से राज्य की शोभा कभी अलग नहीं होती। इसलिए तो कहा गया है ऊपर तले अर्श न कहया, अर्श कहया मोमिन कलू। ब्रह्मात्मा का हृदय ही धनी का धाम होता है। हमको क्या कहा जाता है?
यह हद का ब्रह्मांड है, इसके परे बेहद है, बेहद के परे अक्षर है, अक्षर के परे परमधाम है। सही बात है, लेकिन वह सारा परमधाम निस्बत के कारण हमारी आत्मा के धाम हृदय में विचरण करता है। इसलिए वाणी क्या कह रही है, मेरे दिल अर्ज किया। आगे का चरण जो है बहुत महत्वपूर्ण है, दिल मोमिन मेहर सागर। आपको विश्वास हो रहा है, आप मेहर सागर का पाठ तो करते हैं। इस शब्दों पर ध्यान दीजिए, आप किसी से भी पूछेंगे तो इसका क्या अर्थ करेगा, दिल मोमिन मेहर सागर। ब्रह्मात्मा का हृदय ही मेहर का सागर है। मैंने अभी आपको कहा प्रियतम की अर्धांगिनी के पास प्रियतम की सारी संपदा का अधिकार होता है, ये तो आप सब जानते हैं। आप इधर की तरफ जो भी सुंदर साथ गृहस्थी हैं सब जानते हैं कि उनकी संपत्ति में आधा अधिकार उसका होता है। स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है। इसलिए भगवान शिव का एक रूप क्या कहा जाता है, अर्धनारीश्वर, कि ऐसा अवतार जिसमें आधा शरीर स्त्री का है और आधा शरीर पुरुष का है। हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं, वो जिन्होंने अभी पूजन किया वो बताएंगे कि एक्स एक्स और वाई वाई जो मिलता है या जो भी होता है मेडिकल साइंस की भाषा में, मुझे पूरा याद नहीं है, तो हर स्त्री के अंदर पुरुष बसता है और हर पुरुष के अंदर स्त्री का वास होता है। ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कहता है। परमधाम में तो स्त्री पुरुष की भावना ही नहीं, ये तो संसार की भावना है। मैं तो आपको संकेत से बता रहा हूं कि अर्धांगिनी तो तभी होगी जब वो अपने प्रीतम की आधा अंग है वो मिलती है तो उसकी पूर्णता होती है, अन्यथा नहीं। जिस क्षण आपको पता चलेगा, जिस क्षण आप शरीर से परे हट करके देखेंगे, मैं शरीर नहीं हूं, इंद्रिया नहीं हूं, अंतःकरण नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं जीव भी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, परात्म के प्रतिबिंब स्वरूपा हूं। और तो और कल की चर्चा में आपने सुना हक की मैं, यदि आप हक की मैं की अवस्था में आ जाते हैं, केवल तू है, तो क्या होगा, जब तू ही रह गया, आप नहीं रहे, तो जिसको तू कह रहे हैं उसके अंदर का जो कुछ है आपकी आत्मा के दिल में क्रीड़ा करेगा कि नहीं। जैसे मैं आपको एक और लौकिक दृष्टांत देता हूं, क्योंकि अध्यात्म की बातें अटपटी लगेगी, मेरी बातें समाज से कुछ विपरीत लग रही हैं, तो हो सकता है समझने में परेशानी हो। एक राजा है, किसी वन में भ्रमण कर रहा है, उस वन में एक खूबसूरत युवती मिल जाती है असहाय अवस्था में। राजा उसे विवाह करके अपने घर लाता है। वह युवती कई दिनों से भूखी होती है, कपड़े फट गए होते हैं, लेकिन जब राजा से विवाह हो जाता है, 16 श्रृंगार करके राजा के साथ सिंहासन पर विराजमान होती है, तो क्या कहलाएगी, महारानी। जितना महाराज को अधिकार है उतना ही अधिकार महारानी का भी हो जाता है। पहले नहीं था, जब वो वन में रह रही तो पहले नहीं थी, अब वो महारानी बन गई तो सारा अधिकार ले सकती है। आप जैसे एक चुंबक का टुकड़ा है, चुंबक के टुकड़े के ऊपर कागज लपेट दीजिए और उस पर लोहे को रखिए, या लोहे के ऊपर कागज लपेट कर, कपड़ा लपेट कर चुंबक से सटाइए, चुंबक की आकर्षण शक्ति उस लोहे में कार्य नहीं करेगी, क्योंकि बीच में अवरोधक हो गया। उसी तरह से हमारी नजर जीव पर पड़कर जीव भाव को प्राप्त हो गई है, और यही सबसे बड़ा अवरोध है। जैसा बाहर होते है जो हो ऐसा दिल, अधकिल प्यु न्यारा नहीं माहे रहे हिलमिल। हमारे से प्रीतम दूर नहीं है, पर्दा तो ही करत है अंतर न आड़े दूर। पर्दा हमने किया है, हम अपने परात्मा को नहीं देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, हम शरीर हैं, हम शरीर की अवस्था को देख रहे हैं कि कभी हम बालक थे आज युवा हुए हैं। हमें भय लगता रहता है कि हम मर भी जाएंगे क्या, क्या हम बूढ़े हो जाएंगे, क्या हम काले हो जाएंगे, क्या हम गरीब हो जाएंगे,
माया के कष्टों से जो हमें पीड़ा हो रही है, हम उसी भय से ग्रसित रहते हैं जो वासनाएं हमारे जीव में परेशान करती रहती है। जब हम अपने बुरे कर्मों को देखते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता कि क्या हम राज्य की अर्धांगिनी हो सकते हैं, या राज्य की मेहर का जो रस है हमारे हृदय में कीड़ा कर सकता है। कहा जाए कि आप ब्रह्मांगना है तो आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आप अपने से होने वाले बुरे कर्म को जानते हैं। लेकिन ये बुरे कर्म करने वाला कौन है? ये जीव है, ये तो लाखों जन्मों से करता आ रहा है। किंतु इस जीव के ऊपर जो आत्मा बैठी है वो कर्म से और उसके परिणाम दोनों से रहित है। वो दृष्टा भाव होकर जीव के ऊपर बैठकर जीव की लीला को देख रही है, और माया के अंदर आकर परम धाम की आत्मा जो जीव भाव को प्राप्त हो गई है तो वो जीव के शुभ अशुभ कर्मों को अपना कर्म मानती है, जीव के लक्षणों को अपना लक्षण मानती है। उसको विश्वास ही नहीं है कि उसका दिल राज्य का दिल है। उसके दिल में और राज्य के दिल में कोई अंतर नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको गुठली का दृष्टांत दिया, और जैसे मैंने कहा कि यदि लोहे के ऊपर कोई कुचालक रख दिया जाए जो विद्युत का कुचालक हो, तो चुंबक से संपर्क कराने पर भी उसमें आकर्षण नहीं होगा। उसी तरह से जब तक हमारी दृष्टि परात्म की तरफ नहीं मुड़ती, जब तक हमारा जीव भाव प्रबल है, तब तक हम वाणी पढ़ते हैं, तारतम लेते हैं, परिक्रमा करते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं होता, क्योंकि हम प्रवाह में बह जा रहे होते हैं। शरीयत की बंदगी को हम सब कुछ मान लेते हैं, और जब तक हम हकीकत की तरफ कदम नहीं बढ़ाते, अपने प्राणेश्वर के प्रेम में डूबकर अपने हृदय में उनकी शोभा को बसा नहीं पाते, अपनी नजर को संसार से अलग नहीं कर पाते। लगी वली कुछ और न देखे, पिंड ब्रह्मांडवा को हेरी नहीं, वो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माई। तब तक हमको विश्वास ही नहीं होता कि हमारा दिल मेहर का सागर हो सकता है। आपका दिल इश्क का सागर है कि नहीं? आप कहेंगे कि नहीं, मैं आपको बताता हूं। निस्बत के सागर की अंतिम चौपाई क्या है? श्री महामद कहे ऐ मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर, लियो प्याले हकूक में, पियो फूल भर भर। श्री महामद कहे ऐ मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर। निस्बत का स्वरूप क्या है? परात्म का प्रतिबिंब क्या है? हमारी आत्मा। ये निस्बत इश्क सागर, हमारी जो निस्बत का स्वरूप परात्म है वो इश्क का सागर है। अक्षरातीत यदि इश्क के सागर हैं, तो निस्बत के स्वरूप जो परात्म के तन है वो भी इश्क के सागर है। यदि अक्षरातीत का हृदय मेहर का सागर है, तो निस्बत के स्वरूप भी मेहर के सागर है। तभी ये कहा इसी चरण में कि दिल मोमिन मेहर सागर, मोमिन का दिल इश्क का सागर, मोमिन का दिल निस्बत का सागर, मोमिन का दिल मेहर का सागर। जहां तक मैं सोचता हूं, समाज को ये बातें नई लगेंगी, उल्टी भी लग सकती है, लेकिन ये सच है और वाणी का ये कथन है। जब तक मैंने अभी आपको कहा, आपकी नजर शरीर पर पड़ी रहेगी, आपके अंदर परम धाम की आत्मा भी होगी, तो क्या जब तक वो जागृत नहीं हो सकती, अपने स्वरूप को नहीं जानती, तब तक वो अन्य संसारी प्राणियों की तरह ही है। औरंगजेब के अंदर परम धाम की आत्मा है, लेकिन औरंगजेब न जाने कितनों की हत्या करवा चुका है, अपने भाई की हत्या करवा चुका है, अपने पिता की हत्या करवा चुका है, कितने सूफी फकीरों की हत्या करवा चुका है, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा चुका है, सब कुछ करवा रहा है। दया नाम की चीज नहीं। कौन करवा रहा है? औरंगजेब करवा रहा है, सकुमार की आत्मा नहीं करवा रही। बिहारी जी के अंदर भी परम धाम की रतनबाई की आत्मा है, लेकिन वो श्री मिहराज के भी प्राणों को खतरे में डाल देते हैं खंबालिया के राजा से शिकायत करके। उन्होंने इसी भावना से शिकायत की थी कि खंबालिया का राजा मिहराज को मार डाले। एक ब्रह्मशिष्टि माया के जीव पर बैठकर इस तरह भटक गई है कि वो दूसरे ब्रह्मशिष्टि के तन को समाप्त करवाना चाहती है, उस तन को जिसमें स्वयं अक्षरातीत लीला कर रहे हैं। ये खेल है, और खेल में तो आप जानते हैं, नाटक की लीला में एक राम होता है, एक रावण होता है।
लीला को सच नहीं मानना चाहिए, लेकिन जो वर्तमान में जागने लीला में हो रहा है वो सबको आश्चर्य में डालने वाला है। तभी तो जब परम धाम में हंसेंगे तो इस लीला को देखकर ऐसी हंसी होगी कि वो अनंत काल तक चलती रहेगी कि हम कर क्या रहे थे। आप जिस अक्षरातीत के अंग हैं, जिस अक्षरातीत के तन हैं, जिस अक्षरातीत के हृदय हैं, लाडलिया लाहौत की जाकी असल चौथी आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। संसार महिमा गाता है किसकी? परमात्मा की, अक्षरातीत की। अक्षरातीत किसकी सिफत गाते हैं, किसकी महिमा गाते हैं? ब्रह्म सृष्टियों की। क्यों? परम धाम में किसके हुक्म से सब कुछ होता है? राज्य के हुक्म से। और आप एक बात जानते हैं, जो चर्चनी के अध्येता है वो जानते हैं, परम धाम में राज्य कहीं भी श्यामा जी से पूछे बिना नहीं जा सकते, श्यामा जी सखियों से पूछे बिना नहीं जा सकती। जो सखियों की इच्छा है श्यामा जी की इच्छा है, वही राज्य की इच्छा है। राज्य को भी स्वेच्छा से कुछ करने का अधिकार नहीं है। मेरे कहने का से क्या है, तीनों का दिल एक है। जो राज्य का दिल है वो श्यामा जी का दिल है, वो सखियों का दिल है, वो वहदत है। वहदत में राज्य के दिल में जितना इश्क होगा उतना इश्क परात्म के सभी तनों में होगा। इसलिए यदि हमने आत्मा के धाम हृदय में प्रेम के द्वारा चितवनी में डूबकर वह अवस्था प्राप्त कर ली है, अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। आत्मा के अंतस्करण में जब हमने राज्य की शोभा को बसा लिया तो हमारी आत्मा में और परात्म में किसी भी तरह का भेद नहीं रह जाएगा। अब सोचिए, यदि कोई ब्रह्मात्मा, महामती जी को लीजिए, महामती जी ने हफ्से में अपने धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को विराजमान किया, सबने क्या उन्हें माना कि ये साक्षात प्राणनाथ है। तुम ये उतर आए अर्श से तो तुम ये क्यों मिला, तुम ये दई सुध अर्श की जो अर्श में हुआ। देवचंद जी से जब मिलते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? मिहिर राज। हफ्से से पहले अभी तक में हर जगह उनको मिहिर राज प्राय लिखा गया है। हफ्से की घटना के बाद हर जगह श्रीराज बैठे अटारी पर, श्री जी खुशकी चले। 226 बार अभी तक में प्राणनाथ जी को श्रीराज कह करके लिखा गया। क्यों लिखा गया? जो मूल मिलावे में श्यामा जी के बगल में श्रीराज जी बैठे हैं, अब जागनी लीला में वही श्रीराज मिहिराज के धाम हृदय में बैठे हैं। तो जो परम धाम में मूल मिलावे में स्वरूप बैठा है और जो मिहिराज के अंदर स्वरूप बैठा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मेहर का सागर मूल मिलावे वाले स्वरूप के अंदर है तो मेहर का सागर उस अक्षरातीत का स्वरूप जो इस संसार में लीला कर रहा है महामती जी के धाम हृदय में, उनके अंदर भी है। तभी तो छत्रसाल जी को आशीर्वाद देते हैं कि पन्ना की धरती हीरा उगलने लगे। ये तो छोटी सी, बहुत छोटी सी बात है। सबने कहा, छत्रसाल जी ने कहा कि धाम देने हमें तो राज्य से, कार्य से समय ही नहीं मिलता, मुझे राज देखने की इच्छा हो रही है, कौन सी बड़ी बात है। छत्रसाल जी को दिखा दिया, सब सुंदर साथ को दिखा दिया। जब श्री जी चर्चा करते हैं तो जो जो चाहता है उसको वह प्राप्त होता है। जाको दिल जिन भांत सो तासो मिले तिन विद, मन चाया स्वरूप हो के कारज किए सब सिद्ध। ये किसके परिणाम स्वरूप हो रहा है? मेरे दिल अर्ज किया दिल मोमिन मेहर सागर, जो असंभव था उसको संभव में कर दिया। आज तक अक्षरातीत के चरण कमल इस सृष्टि में नहीं पड़े। अब देखेंगे, किसी के मन में भ्रम हो सकता है कि जो परमधाम अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान है वह राज्य इस संसार में आ जाए तो संसार रहेगा नहीं, क्योंकि आपने एक चौपाई पढ़ ली है, कंकरी उड़ावे अर्श की एजो ज्योति तबक। तो ये बताइए, आकाश में जो सूरज उगता है उसको इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन थाल में पानी रख दीजिए या दर्पण रख दीजिए अंधेरे वाला,
उस दर्पण में जितनी इच्छा हो सूरज को देखते रहिए, आपकी आंखों पर कुछ भी असर नहीं होगा। या धूप वाला चश्मा पहन करके जो तेज पावर का हो, आप सूरज को देखते रहिए, क्या असर हो सकता है। टीवी में उगता हुआ सूरज प्रत्यक्ष सूर्य की तरह ही होता है। उसी तरह से श्याम जी के मंदिर में राजी साक्षात आवेश रूप से प्रकट होते हैं, मीराज के धाम हृदय में विराजमान होते हैं, उनके दिल को अर्श करते हैं और सब सोतो अब जाहिर वे सर्वविध वतन सहित परम धाम के आठों सागरों के साथ महामती जी के धाम हृदय में लीला करती हैं। इसलिए बीतक के अंतिम प्रकरण में क्या लिखा है, मोमिन सेवे कर मरद, 5000 सुंदर साथ उनको साक्षात राजी का स्वरूप मान करके ही लीला करती है। इसलिए बीतक में 4 बार अक्षरातीत लिखा है, 22 बार हक लिखा है, 226 बार साक्षात राज्य लिखा है। इसके बावजूद भी सुंदर साथ नहीं पहचान पा रहा है और हमको पहचान देने के लिए राज्य ने बताया क्या, मेरे दिल अर्ज किया, दिल मोमिन मेहर सागर, हम भिकमंगे ना बचे बने, हम कटोरी लेकर भीख मांगते रहते हैं, राज्य ये कृपा कर दीजिए, ये कृपा कर दीजिए। आप भीख ना मांगिए, अधिकार मांगिए। भीख मांगने वाला तो स्वार्थी होता है, भीख मिलने के बाद वो मुंह फेर लेगा। अर्धांगिनी अधिकार भी मांगती है तो कर्तव्य भी जानती है, वो अपने प्राणेश्वर के बिना एक पल भी रह नहीं सकती। आप भी स्थिति ऐसी पैदा कीजिए कि एक पल के बिना भी आपको संसार सुना लगे, तो देखिए जिस दिन माया का यह पर्दा हट जाएगा, जब आपकी दृष्टि संसार से हट जाएगी, आप संसार की मय से, जीव की मय से परे होकर आत्मा और परात्मा की मय से भी परे हो जाएंगे, हक की मय को लेकर बैठ जाएंगे, उस दिन आपके हृदय में मेहर का सागर क्रीड़ा करेगा, आपके हृदय में इश्क का सागर क्रीड़ा करेगा। लेकिन यह शोभा महामती के अतिरिक्त किसी को नहीं मिल सकती है। आपको आंतरिक रूप से सुख मिल जाएगा लेकिन आपको राज्य कहलाने की शोभा नहीं मिल सकती, यह शोभा केवल महामती जी को दी गई है। इसलिए क्या कहा है वाणी में, कोई दूजा मरद न कहावे एक मेहदी पाक पूरन। प्राणनाथ जी के सिवा इस जागने लीला में किसी को भी अक्षरातीत कहलाने की शोभा नहीं है। हाँ, महामती जी की आत्मा को जिस तरह से मारिफत की अवस्था का सुख मिला, वह सुख लेने का अधिकार सबको है, अक्षरातीत कहलाने का अधिकार किसी को नहीं है। कैसे, जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, पांचों पांडव हैं, पांचों पांडव मुकुट पहनते हैं, वैसे ही वस्त्र आभूषण पहनते हैं, लेकिन जो सम्राट युधिष्ठिर का मुकुट होगा अन्य चारों भाइयों से अलग होगा, यह बताने के लिए कि ये सम्राट हैं और शेष सारे भाई हैं, अन्यथा सब बराबर रहेगा। उसी तरह से इस जागनी लीला में अक्षरातीत कौन है, केवल महामती जी। सब थे बड़े मुझे करी ऐसी करी न को का भाव यही है। और आप सब सुंदर साथ जो उस कसौटी पर खरा, अब स्वयं को खरा सिद्ध कर लेंगे, क्या कहा है, मारिया कहिया काड़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहिया खुदा, मैं खुदी टले तो बाकी रहिया खुदा। जो स्वरूप जो आत्मा हक की मैं लेकर तारतम वाणी के प्रकाश में चितवनी में डूबकर अपने अहंकार के विकारों को समाप्त कर ले, जो आत्मा शरीर से परे हो जाएगी, जीव भाव से परे हो जाएगी, मारिया कहिया काढ़िया कहिया, ज्ञान दृष्टि से मारना, प्रेम के द्वारा मैं खुदी को निकाल देना और निकालने के भाव से भी अलग हो जाना। आप कहते फिरेंगे कि देखिए मैंने तो हक की मय को ले लिया है, तो ये हक की मय नहीं लेना नहीं है। हक की मय लेने का तात्पर्य तो यह होगा कि आपकी जीवा और होठ हमेशा के लिए सिल जाएंगे, उस अवस्था में आपसे बोला नहीं जाएगा। एक बार मैं शरद पूर्णिमा के समय था, एक भागवत आचार्य यूपी के रहने वाले हैं, पन्ना जी के मंच पर बैठे थे और अपना वृतांत सुनाने लगे, कहने लगे कि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, मैंने सोचा कि गुमर जी के पीछे 3 दिन बैठे रह जाऊँ और यदि राजी नहीं दर्शन देंगे तो मैं ये पंथ छोड़ जाऊँगा। और कहने लगे
तीसरे दिन राज जी ने साक्षात उठ करके मुझे गले लगा लिया, बोलो श्री प्राणनाथ की प्यारे की जय, ऐसे ही बोल पड़े मंच पर। सुंदर साथ भी हंसने लगे, उन्होंने क्या कहा, राज जी कहाँ दर्शन देते हैं, यहाँ। तो कई वृद्ध माताएं थी, कहने लगे कि महाराज जी आप गलत बोल रहे हो, राज जी यहाँ दर्शन देते हैं, यहाँ दर्शन नहीं देते। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति अपने मुंह से मंच पर कह रहा है कि तीसरे दिन राज जी ने उठकर मुझे गले लगा लिया, वो जबकि सैकड़ों लोग मंच पर बैठे थे, मैं भी बैठा था, तो ये क्या है, मात्र दिखावा है प्रशंसा पाने के लिए। यदि आपकी मैखुदी हट गई है तो आप इसका ढिठोरा नहीं पिटेंगे, किसी से कहेंगे नहीं कि मैंने मैखुदी को जीत लिया। यदि आपको राजी मिल गए हैं तो ढिठोरा पिटने का अर्थ क्या है, आप अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। यदि आपको मेहर, आपका दिल मेहर का सागर बन गया है, इश्क का सागर बन गया है, तो भी आपके जीवा से शब्द खुलेंगे नहीं, कि यदि खुल गया तब तो अहंकार हो गया। यदि आपने ये कह दिया कि मैंने हक की माई को ले लिया है, मेरे ऊपर जीव की माई का असर नहीं, आत्मा की माई की से भी मैं परे हूँ, परात्म की माई को भी हमने छोड़ दिया है, तो ये केवल शाब्दिक ज्ञान है, यथार्थ अवस्था नहीं। इसलिए जो उस अवस्था में पहुँच गया जिसने अपने हक के माय को लेकर अपने अपने स्वरूप में विद्यमान हो गया, उसका दिल मेहर का सागर हो जाता है। इसलिए मार्फत की उस अवस्था में पहुंचे हुए परमहंस के बारे में क्या कहा जाता है कि आपकी मेहर हो जाएगी तो सब हो जाएगा। इसको वाणी में क्या कहा गया है, हके दोस्त कहे औलिए, भय ऐसे जो बुजुर्ग, इनों को देखे से स्वभाव जैसे याद किए हुए हक। उस मार्फत की अवस्था में पहुंचे हुए ब्रह्मणि का दर्शन अक्षरातीत की बंदगी के समान फलदायी होता है। इसलिए सुंदर सात, मेहर के सागर की एक एक चरण की गहराई को समझने का प्रयास करें। नवदा भक्ति की तरह जैसे देवी के स्तोत्र हुआ करते हैं, शंकर जी के स्तोत्र करते हैं, विष्णु सहस्रनाम होता है, हम सुंदर साथ भी वैसे ही नकल कर बैठे हैं। हम भी मेहर सागर का गोटा लेकर के बैठ जाते हैं। मेहर का सागर क्या है, वो तो अक्षरातीत का स्वरूप है। मेहर के सागर को ही सर्वरस सागर कहते हैं, और उस सर्वरस सागर क्या है, राज्य का पूर्ण स्वरूप, जिसमें नूर का सागर, नूर का सागर का तात्पर्य क्या है, पूरे परम धाम में जो नूर है वो राज्य के मुखारविंद का नूर है, राज्य का स्वरूप ही नूरमयी है। अभी युगलदास जी के बड़े वृत्त का हिंदी अनुवाद आपके सामने आया है, उसमें परमहंस महाराज से युगलदास जी ने आठों सागरों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कैसे मेहर के सागर में आत्मा जब डूब जाती है तो राज्य को अखंड प्रणाम करती है, राज्य की शोभा को अखंड रूप से आत्मसात कर लेती है। वही नीर का सागर, रूहों की शोभा का सागर, आपको अपनी परात्म की झलक मिलने लग जाए। क्षीर का सागर, वहदत का सागर, चौथा सागर युगल स्वरूप की दत्त सागर, शोभा और श्रृंगार का सागर, पांचवा इश्क सागर, छठा इल्म का सागर, सातवां निस्बत का सागर, और उस सारे रस जो राज्य के हृदय में कीड़ा कर रहे हैं वही मेहर के सागर के रूप में है, और वही परात्म के हृदय में है। जब माया का पर्दा हट जाएगा तो वही आठवां सागर जो मेहर का सागर है आपकी आत्मा के हृदय में भी क्रीड़ा करेगा। लेकिन इसलिए नहीं कि मंच पर आप खड़े होकर कहेंगे कि सुंदर साची मेरा दिल ही मेहर का सागर है, तब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। श्यामा जी परम धाम में क्या है, राज्य की अर्धांगिनी कहलाती है। एक खावंद अर्स जीम का हाथी हमारा सोए, इस मानिंद चौदह तबक में हुआ न होसी कोई। वाणी क्या कह रही है, श्यामा जी के बराबर चौदह लोगों के इस ब्रह्मांड में न कोई हुआ है न कोई होगा। लेकिन आगे वाणी क्या कह रही है, रू अल्लाह करी बंदगी, या में उनकी मैं तो गुनाह कहिया इन पर जो मांग लिया हक पे। इस खेल में उन्होंने जीत करके कहा कि राज्य मेरे तन से जागनी क्यों नहीं करवाते, तो गुनाह लग गया, क्योंकि मांगना भी गुनाह है। महामती जी ने क्या कहा है, इश्क मांगो तो गुनाह, इश्क मांगने पर गुनाह लगता है, कब,
ये प्रसंग कुछ अलग हो रहा है, मैं ज्यादा इस पर विस्तार नहीं डालूंगा, मैं संकेत में कहूंगा। जब तक तारतम ज्ञान का पूर्ण प्रकाश आपके हृदय में नहीं आता है तो राज्य से केवल प्रेम मांगिए, आपका अधिकार है। लेकिन सब कुछ जानने के बाद यदि आपसे आप राज्य से केवल मांगते हैं, निस्बत की पहचान होने के बाद, तो इश्क मांगो तो भी गुना और खुदी ये भी गुना हो। स्वयं का अस्तित्व लेकर खड़े हो जाते हैं कि मैं आत्मा हूं तो गुनाह लगता है, क्योंकि मारिफत के अनुसार राज्य के अतिरिक्त कोई नहीं है। और जो इसके राज्य के दिल में है वही इसके परात्म के तन में भी है। इस माया के अंदर आने के बाद तारतम वाणी से धनी की पहचान होने के बाद आप इश्क मांगते हैं तो गुनाह लग जाता है। कैसे, मैं आपको एक दृष्टांत से समझा देता हूं। अध्यात्म के तत्व ज्ञान में ज्यादा दृष्टांत देने से लौकिकता का आभास होता है, लेकिन मजबूरी है कि इसके बिना वह गुह्य रस समझ भी नहीं आता। एक छोटा बच्चा होता है 5 साल का, धूल में लपेट जाता है, माँ या पिता उसको नहलाते धुलाते हैं, कपड़े स्वयं उतार देते हैं, यदि कपड़े गंदा कर देता है तो भी उसको धो देते हैं। वही बालक 25 साल का हो जाता है, कल्पना कीजिए यदि वो बिस्तर पर लेटे लेटे बिस्तर को गंदा कर देगा तो माँ बाप क्या करेंगे, उस दिन उसकी पिटाई कर देंगे। माता पिता तो यही कहेंगे कि अब तू 25 साल का हो गया, 5 साल का बच्चा नहीं है कि तेरे कपड़े की सफाई करे। बच्चा तो वही है, माँ के लिए वही बच्चा है, लेकिन वो 5 साल का नहीं है, 25 साल का है, उसको अपने कपड़े स्वयं धोने होंगे। और बिस्तर पर गंदगी करना एक बहुत बड़ा अपराध है, उसकी पिटाई तो निश्चित होगी। 10 साल का बच्चा भी ऐसा करेगा तो पिटाई हो जाएगी, लेकिन 2 साल का बच्चा गंदगी करेगा तो वही माँ साफ करेगी। उसी तरह से ना चाहूं मैं बुजुर्ग की, ना चाहूं किताब खुदा है, इश्क दीजो मुझे आपनो, मेरा यही समुद्र है। जब आप जागने के प्रथम चरण में होते हैं तो केवल राज्य से प्रेम मांगिए, लेकिन यदि आप सिंधी की वाणी का चिंतन मनन कर लिए, सागर श्रृंगार में डूब गए और इसके बाद कहते हैं कि राज्य इश्क मांगो, इश्क मैं मांग रही हूँ, इश्क दीजिए, तो राज्य कहेंगे कि मिल तो जाएगा लेकिन तुमने निस्बत को कितना पहचाना है। निस्बत के सागर को चिंतन करने के बाद यदि हम इश्क भी मांगते हैं तो गुनाह लगता है, क्योंकि हमने राज्य से और अपने बीच में एक दूरी पैदा कर ली। इसलिए वाणी का कौन सा प्रसंग, कौन सा तथ्य किस प्रसंग में कहां जा रहा है, कहां इश्क न मांगने पर गुनाह है, कहां इश्क मांगने पर गुनाह है, यह भी ध्यान देना होगा। यदि हम राज्य से माया की चीजें मांगते हैं तो बहुत बड़ा गुनाह है, यदि इश्क मांगते हैं तो गुनाह नहीं है। कब, जब हम राज्य को पाना चाहते हैं, लेकिन मारिफत का ज्ञान लेने के बाद इश्क मांगते हैं तो हमारे ऊपर हंसी का गुनाह लगेगा कि हमने और राज्य से एक दूरी कर रही है। जैसे पतिव्रता पत्नी अपने पति के साथ हाथ जोड़कर कुछ मांगती है कि यह मुझे दे दीजिए, तो पति कहेगा कि तुम मेरा उपहास कर रही हो, अपनी अपनी मंजिल है, उस मंजिल की दृष्टि से किसी भी सत्य को व्याख्या में किया जाता है। छोटे बच्चे को मैं भी कहता हूं कि मेहर सागर का पाठ कर लेना, मैं भी कहता हूं किसी जो अनपढ़ होता है उसको कहता हूं कि राजसमा जी का जप करो। 10 साल के बच्चे को मैं भी कहता हूं कि 5 बार तारतम पढ़ो, तारत और दर्स और मेहर सागर का पाठ करो। लेकिन जो प्रबुद्ध हैं, जिन्होंने अपने तारतम ज्ञान के प्रकाश में सागर श्रृंगार में डुबकियां लगाई है, जिन्होंने घंटों बैठ करके चितवनी की है, उनको मैं कभी नहीं कहता कि आप मेहर सागर का पाठ करो, क्योंकि कक्षा अलग अलग होती है, विषय वस्तु अलग अलग होती है, एक ही व्यक्ति की अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग विषय वस्तु पढ़ाई जाती है। जीवन भर एक ही कक्षा में न तो पढ़ा जा सकता है, न एक ही तथ्य को बार बार पढ़ा जा सकता है। उगता हुआ सूरज लालिमा से भरा होता है, लेकिन तपता हुआ दोपहर का सूरज इतना तेजस्वी होता है कि हम पल भर के लिए भी उसकी आंखें उसकी तरफ आंखें करें तो हमारी आंखें खराब हो सकती है। लेकिन उगते और डूबते हुए सूरज का रंग, उसका तेज अलग अलग होता है।
हम एक ही नियम हर जगह लागू नहीं कर सकते, इसलिए ये चौपाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे दिल अर्ज किया दिल मोमिन मेहर सागर। हक मेहर ले बैठे दिल में, आप देखिए हक मेहर ले बैठे दिल में, महामती जी के धाम हृदय में कौन विराजमान है? राज्जी, वही राज्जी जिन्होंने इस क्रबत के कारण खेल में हमें भेजा, वही राज्जी जिन्होंने ब्रजराज और जागनी का खेल दिखाया है, वही राज्जी जो मूल मिलावे में श्यामा जी के बगल में बैठे हैं, वो कहाँ बैठे हैं इस संसार में? महामती जी के धाम हृदय में। हक मेहर ले बैठे दिल में, जब महामती जी के धाम हृदय में राज्जी बैठ गए तो परिणाम क्या होगा? मेहर का दरिया उनके हृदय से ही तो प्रवाहित होगा। वाणी क्या कहती है? एक बूंद आया हक दिल से, तिन कायम किए थिरचर, इन एक बूंद की सिफत देखियो, सुख होसी कैसा सागरों बल। मूल स्वरूप अक्षरातीत के हृदय से इल्म के सागर की एक बूंद आती है महामती जी के धाम हृदय में और वह स्वयं सागर बन जाती है। महामती जी के हृदय में क्या है? नूर का सागर, इल्म का सागर क्रीड़ा कर रहा है। जो इल्म का अनंत सागर मूल स्वरूप के हृदय में परम धाम में लहरा रहा है, उस सागर की एक बूंद महामती जी के दिल में आती है तो वह भी सागर बन जाती है। इसलिए तारतम वाणी में क्या है? नूर सागर सूर मार्फत सब दिलों कर सी रोशन। ये नूर का सागर है। ये नूर क्या है? नूर नाम तारतम, तारतम ज्ञान का प्रकाश क्या है? एक अनंत सागर के रूप में जो महामती जी के धाम हृदय से प्रकट हो रहा है। जो परम धाम का सागर, जो परम धाम में इल्म का सागर है, वही इल्म का सागर महामती जी के धाम हृदय में प्रकट हो रहा है। जो मेहर का सागर परम धाम में है, वही मेहर का सागर महामती जी के धाम हृदय में प्रकट हो रहा है। इसकी अनुभूति करने का अधिकार आपको भी है, केवल शर्त यह है कि हक की मैं को लेकर के बैठ जाइए, आपको भी उसकी अनुभूति हो जाएगी। लेकिन आपको अक्षरातीत कहलाने का अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि जागनी लीला में अक्षरातीत कहलाने का अधिकार मूल स्वरूप ने केवल महामती जी को दिया है। इसलिए बड़े बड़े परमहंस हुए, बड़े बड़े परमहंसों से राज्जी ने जागनी लीला करवाई, लेकिन सभी परमहंसों ने जाकर हक की सूरत के दरबार में सिजदा बजाया कि धामधनी हम आपके आदेश से जागनी लीला का कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। चाहे परमहंस महाराज श्री दयाराम बाबा हों, गोपाल मणि जी हों, रामरतन दास जी हों, मंगल दास जी हों, जो भी परमहंस हुए, क्योंकि उनको मालूम है कि जागनी में अक्षरातीत कहलाने की शोभा महामती को है। और हम सब सुंदर साथ यदि परम धाम की वैदत की मार्फत को समझ जाएंगे तो हमें अपने कर्तव्य का भी बोध हो जाएगा, अधिकार का भी बोध हो जाएगा कि मेरे दिल अर्ज किया दिल मोमिन मेहर सागर, हक मेहर ले बैठे दिल में। देखो मोमिनो मेहर का दर, क्या कह रहे हैं? देखो मोमिनो मेहर का दर, मेहर की शक्ति कितनी है। एक अक्षरातीत जो पल पल अपनी आत्माओं पर मेहर की वर्षा कर रहे हैं, केवल इस धनी न देवे दुख दिल जेता, जो देखिए बचन बिचारी जी, दुख अपन को जो होते हैं सो माया करते भारी जी। परम इस संसार में हमें दुख होता है, क्या कहते हैं? राज्जी आपके चरण में आने के बाद भी इतना दुख भोगना पड़ रहा है, माया हमें दुखी कर रही है। राज्जी क्या कहते हैं? दुख न देऊं फूल पंखड़ी देखो शीतल नहीं। किसी को फूल की पंखड़ियों से मारा जाए तो उसको तो बहुत अच्छा लगेगा। राज्जी कहते हैं कि यदि यह कोई कहता है कि फूल की पंखड़ी पर मेरे ऊपर पड़ती है तो मुझे चोट लगती है, तो मैं उतना भी दुख तुम्हें देख नहीं सकता कि तुम दुखी हो। लेकिन क्या करो, तुमने दुख देखने की इच्छा की है तो मैं तुम्हें दुख दिखाता हूँ, दुख दिलाता नहीं। दुख को भोगना अलग बात है और दुख देखना अलग बात है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको ततैया ने वहाँ काट लिया तो आप दुखी होंगे, मैं केवल दृष्टा होकर के देख रहा हूँ कि ततैया के काटने से कोई व्यक्ति कैसे व्यथित होता है। उसी तरह से दुख का भोक्ता कौन है? जीव।
आत्मा दुख की भोक्ता नहीं है, वो दृष्टा भाव से दुख के जीव के दुख को देखती रहती है। और जो जीव भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा तो जीव भी दुख का भोक्ता नहीं है, अंतकरण सुख और दुख का भोक्ता है। दुख और सुख का संबंध मन से है, जीव के चैतन्य से नहीं। और आत्मा का स्वरूप तो उससे भी ऊपर है, परात्म का स्वरूप तो उससे भी ऊपर है। यदि आप परात्म की मैं लेकर के हो जाएंगे तो उस अवस्था में भी आपको दुख कुछ प्रतीत नहीं होगा। मैं आपको एक और बात से समझाना चाहता हूं, सुख और दुख के द्वंद्व को। एक बार एक सेठ के पास एक नया मुनि आया। उसने कहा कि सेठ जी, आज के दिन आपका 10 लाख का घाटा हो गया है। सेठ जी ने कहा कि ठीक है। दूसरे दिन कहता है कि मुनि जी, आज आपका 20 लाख का लाभ हो गया है। कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसे ही कई दिन हो गए। कभी घाटा बताता है, कभी लाभ बताता है। देखता है कि सेठ जी के चेहरे पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। मैं जब खुशी की बात कहता हूं तो मुझे कोई पुरस्कार भी नहीं मिलता, शाबाशी भी नहीं मिलती। घाटे की बात कहता हूं तो सेठ जी कभी दुखी भी नहीं होते। आखिर मुनीम को रहा नहीं गया। कहता है कि सेठ जी, जब मैं कहता हूं कि 10 लाख का घाटा हो गया तो आप जरा भी दुखी नहीं होते, जब मैं कहता हूं कि 20 लाख का लाभ हुआ है तो आपको जरा खुशी भी नहीं होती, क्या कारण है? सेठ ने कहा कि देखो मुनीम, ये व्यापार है, कभी लाभ होता है कभी हानि होती है। यदि मैं 10 लाख का घाटे होने से उदास होकर के बैठ जाऊंगा तो मैं व्यापार नहीं करूंगा, और 20 लाख का लाभ होने से उछलने कूदने लगूंगा तो भी मैं व्यापार नहीं करूंगा। ये मेरा कार्य है व्यापार करना, लाभ और हानि तो चलता रहता है। उस दिन उसको समझ में आया, यदि दुनिया का एक व्यापारी लाभ और हानि में दृष्टा भाव से देख रहा है तो आप तो परम धाम के ब्रह्मात्मा हैं। आप धन आता है तो खुश हो जाते हैं, धन चला जाता है तो दुखी होते हैं। सुख दुख से आप कभी डरते हैं? महामती जी क्या कह रहे हैं, मैं सुख दुख से न डरूं, मेरे धनी चाहिए सन्मुख। इसलिए आप सब सुंदर साथ, छोटी छोटी बातों के लिए मेर सागर का गोटा न पकड़िए। मैं एक बार चितौनी शिविर में गुजरात गया हुआ था। संध्या का समय था, सरकार जी मंजन कर रहे थे। एक सुंदर साथ आया, सरकार जी को प्रणाम करके कहता है कि सरकार जी कृपा कर दीजिए, मेरी भैंस का दूध कम हो गया है, आपकी कृपा होगी तो मेरी भैंस दूना दूध देने लगेगी। मुझे तो हंसी भी आ रही थी लेकिन मैं हंस नहीं सकता था उस समय, कि ये पागल आया है दूध बढ़ाने के लिए मेहर मांग रहा है। आप सोचिए, आप कभी ऐसी गलती ना करना। इस ब्रह्मांड का राज्य भी आप को मिल जाए तो वो माया है। आप राज्य से कभी मत कहिए कि राज्य मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए। मेरे ऊपर सुंदर सर कई बार बहुत दबाव देते हैं कि आप प्रार्थना कर दीजिए कि राज्य मेहर करेंगे कि ये पद मिल जाए। मैं हंसता हूँ, कई बार इतना दबाव पड़ता है कि मुझे ऊपरी मन से कहना पड़ता है कि राज्य मेहर करेंगे सब हो जाएगा। लेकिन बताइए कितनी तुच्छ चीज है। सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान अक्षरातीत से माया की छोटी छोटी बातें मांगते हैं। आपका प्राणेश्वर कहता है मैं लिखा है तुमको, एक बार करो मोहे साथ, 10 बार जी जी करूं कर तुमको याद। और आप देखिए मंदिर में जाएंगे तो नारियल आप बांधेंगे, एक नारियल पर आप मेहर मांगते हैं, एक बागा चढ़ा करके मेहर मांगते हैं, ये प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ क्या है? जिसे आप मेहर मांग रहे हैं आप स्वयं उसके अंग हैं। जैसे पतिव्रता पत्नी किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तो अधिकार से घर में से निकाल लेगी। जैसे एक बात समझिए, घर में नई बहू आती है, ठीक है कि नई बहू है लेकिन घर की महारानी तो भविष्य में वही बनेगी।
पतिदेव से पूछे कि पतिदेव आपकी आज्ञा हो, आपकी कृपा हो तो एक गिलास पानी पी लो। पति क्या कहेंगे? पति यही कहेगा कि लगता है कि मैंने किसी पागल और स्त्री से विवाह कर लिया है। वैसे पागलपन आप मत दिखाइए, मेहर को इतना छोटा मत बना दीजिए। मेहर क्या है? अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस है। उस रस को अपनी आत्मा के लिए रखिए। संसार बनता है, संसार लय को प्राप्त होता है। चक्रवर्ती सम्राटों का राज्य आता रहता है, जाता रहता है, एक माया है। जैसे पानी के बुलबुले समुद्र में उगते हैं, डूबते रहते हैं, उसी तरह से पागल गाय की तरह लक्ष्मी आती है, जाती रहती है। सुख दुख के द्वंद आते रहते हैं, रोग आते रहते हैं, कहीं सम्मान मिलता है, कहीं अपमान मिलता है, कहीं सुख होता है, कहीं दुख होता है। दिन और रात्रि की तरह संसार में परिवर्तन होता रहता है। आप व्यथित न होइए, क्योंकि आप कौन है? अक्षरातीत की प्राणेश्वरी, अक्षरातीत की हृदयेश्वरी। आपके बिना उनकी भी लीला अधूरी रहेगी। इसलिए अपने गौरव को पहचानिए, अपने मूल स्वरूप को पहचानिए, अपने अधिकार को पहचानिए। मेहर सागर का गोटा लेकर, पाठ करके, कटोरा लेकर के भीख मत मांगा कीजिए कि राजी ये पूरा कर दो, ये पूरा कर दो। आप को जो कुछ करना है, हमसे तो अच्छे रामकृष्ण परमहंस हैं। कैंसर का रोग है, दर्द से करा रहे हैं, सब कह रहे हैं कि परमहंस जी आप दूसरों को आशीर्वाद करके ठीक कर देते हैं, आप एक बार माँ से क्यों नहीं कह देते? वो क्या कैंसर ठीक नहीं कर सकते? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि माँ को दिखाई नहीं देता क्या कि मुझे कैंसर है, मुझे पीड़ा हो रही है? यदि माँ को आवश्यकता होगी तो ठीक कर देगी, यदि वो आवश्यकता नहीं समझती है तो ठीक न करे। मैं नहीं करने जाऊंगा, मैं अपने प्रेम का सौदा क्यों करने जाऊंगी, मेरा कैंसर ठीक कर दो। ये निष्ठा है। हमारे से ज्यादा प्रेम रामकृष्ण परमहंस को है, हमको नहीं है, क्योंकि हमने केवल कर्मकांड पकड़ा है। हमने मेहर सागर को अपना छोटा सा बुखार भी हो जाए तो मेहर सागर का पाठ। मैंने अभी आपको कहा ये हम क्या कर रहे हैं, हम अपने गौरव को समाप्त कर रहे हैं, हम मूल संबंध में दाग लगा रहे हैं। राजी हमारी छोटी छोटी मांगों पर हंसते हैं कि इनको मुझसे प्रेम नहीं है, माया की वस्तुओं से प्रेम है। जिस क्षण हमें राजी से प्रेम हो जाएगा, यदि संसार का कोई पति अपनी पत्नी के लिए कोल्लू के बैल की तरह धूप शीत वर्षा सहकर काम करता है, तो आपका प्राणेश्वर अक्षरातीत इस संसार के पति से तो अनंत गुना प्रेम करता है। आप उसकी महिमा को क्यों खंडित कर रहे हैं कि आपको मांगना पड़ता है? ये जरूर है कि जब तक जीव भाव हमारा रहेगा, संसार के कष्ट हमें बाधित करते रहेंगे। जब सुंदर सा दुखी होता है तो मैं भी अवश्य कहता हूँ कि मेहर सागर का पाठ कर लो, राज्य ठीक करेंगे। लेकिन अब जागने का समय है। मैं सुंदर सा से यही कहूँगा कि अपने स्वरूप को पहचानिए और अपने सुख दुख के बंधनों से ऊपर उठकर आप आत्मा आनंद, अखंड आनंद के स्वरूप हैं। इसको पहचानिए कि आप आनंद स्वरूप श्यामा जी के अंग हैं, आनंद स्वरूप स्वयं हैं, आपका प्राणेश्वर पर अधिकार है। उसको उसी अधिकार से कहिए जी हाँ हूँ तिहाँ तमें आओ, मैं जहाँ हूँ वहाँ आइए, और मैं आपको प्रेम के पिंजरे में बंद करके रखूँगी, स्वयं अंगूर बन जाऊंगी ताकि आप मुझे खा लिया करो। और यही है प्रेम और यही है ब्रह्म सृष्टि के रहने। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी। हो सकता है परंपरा से हटकर कुछ मैंने बातें कही हैं वो आपको अच्छी ना भी लगे, तो यदि आप आत्मचिंतन करेंगे, चिंतन की गहराइयों में डूबेंगे और अंतरात्मा से पूछेंगे, तो ये जरूर होगा कि जो मैंने कहा है वो वाणी के अनुकूल कहा है और सच कहा।